दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियस टी20 टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा वीवी वर्सेस केएम के बीच में है। पिच के बारे में बात करें दोस्तों तो बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा विकेट है। बैटिंग के साथ साथ जो गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं उनको भी ठीक ठाक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें केएम के बारे में तो स्टार्ट दोस्तों इतना अच्छा नहीं रहा था लेकिन एलिमिनेटर मुकाबला 51 रन से विन किया और सेकेंड जो क्वालिफायर मुकाबला है वो 21 रन से विन करके फाइनल में पहुंचे हैं। टीम की ओर से अलेक्जेंडर रॉय और उस्मान मलिक आपको ओपन करते नजर आएंगे। अलेक्जेंडर ने तीनों मैच में ओपन जरूर किया लेकिन तीनों मैच में बैटिंग फ्लॉप रही है, लेकिन बैटिंग के अलावा दोस्तों कभी एक कभी दो ओवर बॉलिंग भी करवाते हैं। अब तक 4 ओवर बॉलिंग करते हुए दोस्तों 2 विकेट निकाल चुके हैं, तो ग्रैंड लीग में अलेक्जेंडर को आप जरूर ट्राई करके चल सकते हैं। उस्मान मलिक दोस्तों टीम की ओर से बेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर हैं, हालांकि इस क्वालिफायर में बैटिंग भी नहीं चली थी और बॉलिंग में 2 ओवर में 4 रन खर्च किए। इकोनॉमी तो काफ़ी अच्छी थी लेकिन विकेट नहीं मिला था, लेकिन इससे पहले 50, 66, 48 बनाए हैं और बॉलिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। तो उस्मान मलिक बैट और बॉल दोनों में बेस्ट पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं। सुरेश भट्ट दोस्तों हिट और मिस टाइप वाले एक्सू टाइप के बल्लेबाज हैं, 89, 19, 10, 38 और लास्ट मैच में 28 बनाए। पावर हिटर बल्लेबाज हैं जो कभी भी रन लगा सकते हैं और कभी भी जल्दबाजी में आउट भी हो सकते हैं। विक्रम चतुर्वेदी ये भी दोस्तों हिट और मिस टाइप वाले प्लेयर हैं, 35 नाबाद 42, 37 ये 3 इनकी टॉप इनिंग है और इस लाइव मैच में इन्होंने 17 रन बनाए थे, बाकी की 3-4 पारियों में जल्दबाजी में अपना विकेट गवाया है। दीपेश खारडिया है दोस्तों 1 मैच में 31 बनाए थे और इस लाइव मैच में 16 नाबाद के। इसके अलावा दोस्तों कोई खास इनकी बैटिंग नहीं रही, बॉलिंग में सिर्फ 2 मैच में बॉलिंग की थी, 2 विकेट निकाले, बाकी के 5 मैच में टीम ने इनसे बॉलिंग नहीं करवाई। बिलाल सलीम का दोस्तों टीम ने इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई खास यूज नहीं किया है क्योंकि ये एक अच्छे विकेट टेकर गेंदबाज भी है और बैटिंग में पावर हिटर बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर बहुत लेट रखा है, 15, 31 नाबाद ये 2 इनकी बेस्ट इनिंग है, बाकी 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। पी जाकोड है कभी भी टीम इनको नंबर 5-6 पर भी ला सकती है, बैटिंग इतनी खास नहीं रहती, 16, 11 नाबाद इनका टॉप स्कोर है, लेकिन ऊपर बैटिंग करने का मौका मिला तो दोस्तों ये 15, 20, 30 रन लगा भी सकते हैं और बॉलिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी करेंगे, खास करके जब ये स्पिन सेकंड इनिंग में बॉलिंग करें तब दोस्तों आप अपनी टीम में जरूर ट्राई करके चलना। पिछले 2 मैच में सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए 3 विकेट निकाल चुके हैं। इनके बाद तुषार शर्मा है, बैटिंग में एवरेज पिक है, बॉलिंग में देखोगे तो पिछले 4 मैचेस के अंदर टोटल 6 ओवर डाले हैं और दोस्तों ये 4 विकेट निकाल चुके हैं, तो एक ठीक ठाक एवरेज पिक रहेगी जिनको आप कुछ टीम में रख सकते हैं, कुछ टीम में ड्रॉप कर सकते हैं। होपमैन का अभी तक कोई खास योगदान नहीं रहा है। के नाना दोस्तों अच्छे विकेट टेकर गेंदबाज हैं और अब तक देखोगे दोस्तों तो पिछले 5 मैचेस के अंदर 8 विकेट निकाल चुके हैं, तो गेंदबाज में जबरदस्त पिक रहेगी। बिलाल सिद्ध की भी दोस्तों इनकी ओर से मैन गेंदबाज में से एक है, पिछले 4 मैचेस के अंदर दोस्तों ये 5 विकेट निकाल चुके हैं, तो इनको भी आप जरूर अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी बैंस के प्लेयर को लेकर जो भी चेंज होगा अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। वीवी की टीम है दोस्तों वो काफ़ी ज़बरदस्त टीम रही है, अब तक दोस्तों टोटल 9 मुकाबले खेले हैं और 9 के 9 मुकाबले विन करके आए हैं। अजीज़ मोहम्मद और दोस्तों तारा खेल अगर खेलेंगे तो आपको ओपन करते नजर आएंगे। अजीज़ मोहम्मद ज़बरदस्त पावर हिटर बल्लेबाज हैं, जब तक क्रीज पर रहेंगे हर बॉल पर आपको चौके या छक्के देखने को मिलेंगे, 92, 35, 62, 20 और लास्ट मैच में 40 बनाए थे। बैटिंग के अलावा कभी एक कभी 2 ओवर बॉलिंग भी करवाते हैं और पिछले 5 मैच में 4 विकेट बॉलिंग में भी हैं, तो अजीज मोहम्मद बिल्कुल एक जबरदस्त पिक है जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। एस ताराकेल ये भी दोस्तों एक जबरदस्त पावर हिटर बल्लेबाज है, बेल्जियम की दोस्तों जो इंटरनेशनल टीम है उसके अंदर ये मैन ऑफ द सीरीज रहे थे और इस लाइव मैच में एक जो मैच भी कब खत्म हुआ था उसमें दोस्तों इन्होंने लगभग 12-13 गेंदों में 22 रन बनाए, तो ये भी पावर हिटर बल्लेबाज है जो कभी भी गेम को पलट सकते हैं, तो रिस्की ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन इनको भी बना सकते हैं। खालिद अहमदी बैटिंग में दोस्तों लेट आते हैं लेकिन जबरदस्त बल्लेबाज है, 39, 19, 36, 22 ये 4 रन की बेस्ट इनिंग है और बॉलिंग देखोगे 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट हर मैच में विकेट निकाले हैं। खालिद अहमदी भी तीसरी एक पावर पिक है इस टीम की जिसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। जीसन अकरम दोस्तों 3 मैच में 31, 31, 40 के, बाकी मैच में फ्लॉप हुए हैं, तो एवरेज पिक रहेगी, कुछ टीम में रखना कुछ में ड्रॉप करना। शाहरुख अख्तर है इनका भी यही हाल है, 40, 19, 18, 30 4 मैच में चले हैं, 2-3 मैच में काफ़ी खराब प्रदर्शन है, बाकी दोस्तों अभी इनकी बैटिंग थोड़ी सी लेट आएगी तो ज़्यादा चांस नहीं रहेंगे कि ये ज़्यादा रन बनाए, फिर भी 1-2 ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। सिराज शेख के बारे में बात करें, मिड ऑर्डर में खेलते हैं, 22, 13, 20, 19 और लास्ट मैच में 8 नाबाद किए। बॉलिंग में दोस्तों इतना अच्छा अभी तक योगदान नहीं रहा है, सिर्फ 2 ही मैच में बॉलिंग की थी। सेफ आठ दोस्तों टीम की ओर से ज़बरदस्त विकेट टेकर गेंदबाज है, शुरू के 2 मैच में विकेट जरूर नहीं मिले थे लेकिन दोस्तों ये इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं और पिछले 2 मैच में 5 विकेट निकाले हैं, तो बॉलिंग में सेफ आठ को जरूर ट्राई करके चलना। गजनवी दोस्तों इनके मैन
विकेट टेकर गेंदबाज आप बोल सकते हैं। शुरू के जो चार मैच थे दोस्तों वहाँ पर उन्होंने 8 विकेट और लास्ट के चार मैच के अंदर 5 विकेट 13 विकेट निकाल चुके हैं। तो बॉलिंग के डिपार्टमेंट में चाहें तो इनको आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं। आबिद एवरेज परफॉर्मर गेंदबाज हैं, कुछ टीम में आप रख सकते हैं और कुछ टीम में ड्रॉप कर सकते हैं, इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं रही है। अहम हंस दोस्तों या तो विकेट मिलेगा नहीं या गुच्छों में विकेट निकाल रहे हैं। आप देखोगे 2 मैच में 4 और 3 करके 7 विकेट हैं, तो बाकी के 3 मैचों में विकेट भी नहीं मिला। फहीम भाटी एवरेज पिक है, 3 मैच में से 1 मैच में 1 विकेट, बाकी मैचों में कोई विकेट नहीं मिला। बैंस के प्ले में से दोस्तों अगर कोई भी चेंज वगैरह करेंगे तो उसकी अपडेट है वो आपको पूरे रिकॉर्ड के साथ सबसे पहले आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। अगर लिंक वर्क ना करें तो आप सीधा टेलीग्राम में जाके भी सर्च कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम में जाकर टाइप करना है WGF24 और सर्च करके जुड़ जाना है टेलीग्राम के अंदर। तो दोस्तों अभी जो लाइनअप है वो आउट होने वाली है, तो जैसे ही टॉस अपडेट आ जाएगा उसके बाद हमारी जो फाइनल टीम है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हर फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम को बिल्कुल मिस मत करें। टाइप करें WGF24 और सर्च करके जुड़ जाएं टेलीग्राम के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।